नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हूँ मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त मोटिवेशनल वीडियो वाला। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस वार डॉग्स मूवी के केवल ऑडियंस रही हूँ और फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही इस वीडियो के अंदर हम आपसे तीन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला मोटिवेशन कोड्स, दूसरा आपके एजुकेशन से रिलेटेड फैक्ट, और तीसरा इस वार डॉग्स मूवी के ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जहां पर आपको मोटिवेशनल कोड्स आपके लाइफ को बूस्ट करेगा, वही एजुकेशन फैक्ट आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा, और इस वार डॉग्स मूवी के जो फैक्ट्स हैं जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं उसको देखने के बाद मैं आपको इस वार डॉग्स मूवी के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले, अभी तक आपने इस प्रकार के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम आप लोगों की डिमांड पर लेकर आते रहते हैं। तो आप लोगों के लिए पहला मोटिवेशनल कोड्स, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोड्स कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं जब हर राह से पहचान हो जाती हैं। जो मुस्कुराकर करते हैं सामना मुश्किलों का, तो किस्मत में उनकी गुलाम हो जाती हैं, तो किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती हैं। दूसरा मोटिवेशनल कोड्स, आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, कि आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो, कि मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। जोनाह हिल की साल 2023 के अंदर कौन सी बड़ी मूवी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज होने वाली है? अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मूवी के रिव्यू के बारे में। साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोनाह हिल के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा, और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देख देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है, और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया, और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज, द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it, a really well film then that does not need to be fills of intensity to make it is very hard. I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with additionality. I always want to avoid Miles Teller for some reason, but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow, and Joan Hill is Joan Hill
परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड, टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एंजॉय इट, द हैंगओवर्स मीट्स द वॉल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट, आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द US मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टी मिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस फ्रीज फ्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग, इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ पीस आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग लास्ट कीप थिंग इंटरेस्टिंग, जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड आर्गुमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म, इज सो लाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्सोल्युटली हिलेरियस एंड आर्म्स इज अब्सोल्युटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल कैरेक्टर इन द फिल्म, सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म, टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर, वन स्टार इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइल्स टेलर एंड जोना हिल, द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स, टू बी ऑनेस्ट माई रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लॉट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माई फोर स्टार रेटिंग, वार डॉग्स फील लाइक एंड फील दिस एंड गुड थिंक ओडियम अमेरिकन डेड गुड ऑनेस्ट टू ए लॉट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन एंड काउन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ओप दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ओप इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजुअली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवर्डली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर ईजुअली एंड 40-55 मिनट्स ऑफ द एंसर दी सीन शॉर्टनेस सीन्स द इंटेंसिटी किप्ट बिल्डिंग एज द फिल्म वेंट ऑन विच वेरी नाइस दिस इज कैन नॉट बी रियल स्टोरी बिकॉज आई कैन नॉट सी हाउ द गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर्क नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिक नॉट फॉर एवरी वन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्युइन अवेसम वेल पुट टूगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्टर्स हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and realistic stint keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Addison was the great part too all around great movie fantastic film and good understated in my opinion he
हिल एंड टेलर बाउंस ऑफ ईच अदर ग्रेट स्टोरी लाइन ग्रेट उज फैथ ऑफ दिस गुड अगेन एंड वेरी फनी एंड वुड वॉच अगेन ग्रेट कास्ट सम रियली एंड गुड फोर स्टार बिकॉज द स्क्रिप्ट एंड गुड फ्लॉलेस एंड लिटिल रिसर्च हैज डन ऑन जॉर्डन द कंट्री इट मास्टर पीस इज कल्चर एंड शो जॉर्डन एंड नोमेडिक ट्रिब्यूनेट पीपुल जॉर्डन इज मोर डेवलपमेंट दैट स्ट्रीज नाइट एंड रियली लव दिस मूवी सस्पेंसफुल एंड हिलोरी सो हार्ड टू बिलीव इट इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी दिस मूवी रिमेंबर मी अमेरिकन एनिमल्स ऑल्सो ए ट्रू स्टोरी हिल ऑफ ए गुड आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड ए हिल ऑफ गुड स्टोरी एंड प्लीज वॉच दिस मूवी इफ यू हैव नॉट वॉच एंड इंटरेस्टिंग मूवी जोना हिल डोमिनेट द मूवी विच द हिज फेबुलस स्केल द कंसेप्ट इज न्यू एंड कंप्रोमाइज ऑफ अदर ट्रेडिशनल मूवी मिक्सर ऑफ द लव ड्रामा कॉमेडी ए साइलेंट एक्शन ए वर्थ पैथेंटिक मूवी इज बेसिकल मेकिंग फन ऑफ इराक वार एंड प्रोमोटिंग देयर स्ट्रोंग एंड गुड थिंक अबाउट अमोंग मिडिल एंड गुड थिंक अबाउट ऑल्सो बिकॉज रैग्स ऑफ रीच द बैग टू रैग्स आई रियली लाइक द मूवी प्रीति फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग मेक मी अंडर स्टोर एंड ग्रेट मूवी वाट ऑफ एजुकेशनल राइटिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड गुड बेसिकल आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film then that does not need to be fillers of intensity to make it is very hard I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with additionally I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Joan Hill is Joan Hill परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टील हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म पलो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन
एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द यूएस मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टी मिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस प्रीज प्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ फिश आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग लास्ट कीप थिंग इंटरेस्टिंग जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड आर्गुमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इज सो लाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्सोल्युटली हिलेरियस एंड आर्म्स इज अब्सोल्युटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल कैरेक्टर इन द फिल्म सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर वन स्टार इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी ऑनेस्ट माई रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लॉट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माई फोर स्टार रेटिंग वार डॉग्स फील लाइक एंड फील दिस एंड गुड थिंक ऑडियम अमेरिकन डेड गुड ऑनेस्ट टू ए लॉट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकॉमन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ऑफ दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देयर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ऑफ इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजुअली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवर्डली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर ईजुअली एंड 45 minutes of the unnecessary scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the guys and steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand fork knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flicking not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there did not have to do and good and realistic stint keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Addison was the great part too all around great movie fantastic film and good understated in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great huge faith of this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunet people Jordan is more development that stage night and really love this movie
suspenseful and hilarious, so hard to believe it is based on a true story. This movie Remember Me, American Animals, also a true story. Hill of a good outstanding acting and a hill of good story. And please watch this movie if you have not watched an interesting movie. Jonah Hill dominate the movie with his fabulous skill. The concept is new and compromised of other traditional movie, mixture of the love drama, comedy, a silent action, a worth pathetic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their strong and good thing about among middle and good thing about also because rags of reach the bag to rags. I really like the movie, pretty funny and very entertaining, make me wonder store and great movie, what of educational writing and good thing about very and good basically I have every scene and good performance this movie. साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज, द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it, a really well film done that does not need to be filled of intensity to make it is very hard. I feel that the pacing is super few to on and scenes and everything land with decently. I always want to avoid Miles Teller for some reason, but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow. And Jonah Hill perfect performance all around took me a while to finally watch this movie, but I really enjoy it. The hangovers meets the whole pop Wall Street. I can still hear Jonah Hill is downright suddenly funny lunch and go in my head based on a true story. War Dogs is a fascinating crime drama about war performing the film plot to former childhood friends who partner up to run and arms company that supply the US military, eventually cunning and their way into a multi-million dollar Afghanistan contract despite an abundance for advance freeze frame and equal abundance operating voice cover and provide information that could have been provided more naturally throughout dialogue. It is an entertaining enough piece out of water that has enough lunch and integrating last key
कीप थिंग इंटरेस्टिंग जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड एरगूमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इज सो लाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्सोल्युटली हिलेरियस एंड आर्म्स इज अब्सोल्युटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल कैरेक्टर इन द फिल्म सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर वन स्टार इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी होनेस्ट माई रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लोट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माई फोर स्टार रेटिंग वार डॉग्स फील लाइक एंड फील दिस एंड गुड थिंक ऑडियम अमेरिकन डेड गुड होनेस्ट टू ए लोट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन एंड काउन एनिमी सीर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सेंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ऑफ दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ऑफ इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बूम्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवरडेली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव बीन ईजली एंड 45 minutes of the unnecessary scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the guys and steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand fork knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flick not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there did not have to do and good and realistic stand keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great huge faith of this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie such suspenseful and hilarious so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie which the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent
वायलेंट एक्शन ए वर्थ पैथेंटिक मूवी इज बेसिकल मेकिंग फन ऑफ इराक वार एंड प्रोमोटिंग देयर स्ट्रोंग एंड गुड थिंक अबाउट अमोंग मिडिल एंड गुड थिंक अबाउट आल्सो बिकॉज रैग्स ऑफ रीच द बैग टू रैग्स आई रियली लाइक द मूवी प्रीति फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग मेक मी अंडर स्टोर एंड ग्रेट मूवी वाट ऑफ एजुकेशनल राइटिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड गुड बेसिकल आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film then that does not need to be fillers of intensity to make it is very hard I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with additionality I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Jonah Hill परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन and arms company that supply the US military eventually cunning and their way into a multi-million dollar Afghanistan contract despite an abundance for anyone's freeze frame and equal abundance operating voice cover and provide information that could have been provided more naturally throughout dialogue it is an entertaining enough piece out of water that has enough lunch and integrating last keep thing interesting Jonah Hill is since stellar and argument the best part of the whole film he is so like available but you cannot like him because he is absolutely hilarious and arms is absolutely genius and play the most like available character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very generous with my rating here 1 star is for the performance of my
माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार ऑफ द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी ऑनेस्ट माई रेटिंग किफ्ट चेंजिंग ए लोट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माई फोर स्टार रेटिंग वार डॉग्स फिल लाइक एंड फिल दिस एंड गुड थिंक ओडियम अमेरिकन डेड गुड ऑन नेस्ट टू ए लोट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकॉमन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ऑफ दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ऑफ इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजुअली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवर्डली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर ईजुअली एंड 45 मिनट्स ऑफ द एंसर दी सीन शॉर्टनेस सिंस द इंटेंसिटी केप्ट बिल्डिंग एज द फिल्म वेंट ऑन विच वेरी नाइस दिस इज कैन नॉट बी रियल स्टोरी बिकॉज आई कैन नॉट सी हाउ द गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर्क नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिक नॉट फॉर एवरी वन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्युइन अवेसम वेल पुट टूगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज अ ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्टर्स हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and realistic stint keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good of their parts well but Cooper Addison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other. Great storyline, great huge path off this good again and very funny and would watch again. Great cast, some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan, the country. It masterpiece is culture and show Jordans and nomadic tribunate people. Jordan is more development that stage night and really love this movie. Suspenseful and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent action a worth pathetic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their struggle and good thing about among middle and good thing about also because rags of reach the bag to rags I really like the movie pretty funny and very entertaining make me wonder story and great movie what of educational writing and good thing about very and good basically I have every scene and good performance this movie
साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज, द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film done that does not need to be full of intensity to make it is very hard. I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with additionally I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Joan Hill परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टील हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन and arms company that supply the US military eventually cunning and their way into a multi-million dollar Afghanistan contract despite an abundance for anyone's freeze frame and equal abundance operating voice cover and provide information that could have been provided more naturally throughout dialogue it is an entertaining enough piece out of water that has enough lunch and integrating last keep thing interesting Jonah Hill is since stellar and argument the best part of the whole film he is so like available but you cannot like him because he is absolutely hilarious and arms is absolutely genius and play the most like available character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very genius with my rating here 1 star is for the performance of my Miles Teller and Jonah Hill the 3rd star for the fun soundtrack and the 4th star because I did launch cute a few times to be honest my rating kept changing a lot and it took me a fair few views and the film to finally style on my 4-star rating war dogs feel like and feel this and good thing odium American dead good honest to a lot and smiler American I have in the great
इंटरनेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकाउन एनिमी सीर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सेंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिवर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ओप दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ओप इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बूम्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवरडेली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर ईजली एंड 45 minutes ऑफ द एंसर दी सीन शॉर्टनेस सिंस द इंटेंसिटी केप्ट बिल्डिंग एज द फिल्म वेंट ऑन विच वेरी नाइस दिस इज कैन नॉट बी रियल स्टोरी बिकॉज आई कैन नॉट सी हाउ द गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर्क नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिकिंग नॉट फॉर एवरीवन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्युइन अवेसम वेल पुट टुगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्ट्रेस हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and realistic stint kept me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth beyond fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Addison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great huge faith off this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie suspenseful and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent action a worth authentic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their struggle and good thing about among middle and good thing about also because Rex of reach the bag to Rex I really like the movie Preeti Panni and very entertaining make me wonder store and great movie what of educational writing and good thing about very and good basically I have every scene and good performance this movie साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोनाह हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके
ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू आई वुड हैव बिलीव इट हैड आई सीन इट ए रियली वेल फिल्म डन दैट डज नॉट नीड टू बी फिलिस ऑफ इंटेंसिटी टू मैक इट इज वो हार्ड आई फील दैट द पेसिंग इज सुपर फ्यू टू ऑन एंड सीन्स एंड एवरीथिंग लैंड विथ इडिशनलिटी आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड मिल्स टेलर फॉर सम रीजन बट बाई द टाइम आई गेट अराउंड टू वॉचिंग दिस फिल्म आई हैव टू एडमिट दैट ही डज ए फैंटेस्टिक जॉब विथ एवरीथिंग ही इज गिवन एंड इज आर्म्स एंड जस्ट मैक एवरीथिंग फील लाइक होम सम हाउ एंड जोआन हिल इज जोआन हिल परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द US मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टीमिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस प्रीज फ्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ फिस आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग last keep thing interesting Jonah Hill is scenes stellar and argument the best part of the whole film he is so like available but you cannot like him because he is absolutely hilarious and arms is absolutely genius and play the most like available character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very generous with my rating here 1 star is for the performance of माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी ऑनेस्ट माय रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लॉट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माय 4-star रेटिंग वार डॉग्स फील लाइक एंड फील दिस एंड गुड थिंक ऑडियम अमेरिकन डेड गुड ऑनेस्ट टू ए लॉट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेट नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकाउन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सेंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट
हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ओप दिस फोर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ओप इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजुअली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवरडेली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वी ईजुअली एंड 45 minutes of the answer is in shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the guys and steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand fork knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flicking not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there did not have to do and good and realistic stand keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great huge path off this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie suspenseful and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched and interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixer of the love drama comedy a silent action a worth authentic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their strong and good think about among middle and good think about also because Rex of reach the bag to rags I really like the movie pretty funny and very entertaining make me wonder story and great movie what of educational writing and good think about very and good basically I have every scene and good performance this movie साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने
देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की, तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज, द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू आई वुड हैव बिलीव इट हैड आई सीन इट ए रियली वेल फिल्म डन दैट डज नॉट नीड टू बी फिलिस ऑफ इंटेंसिटी टू मैक इट इज वोई हार्ड आई फील दैट द पेसिंग इज सुपर फ्यू टू ऑन एंड सीन्स एंड एवरीथिंग लैंड विथ एडिशनलिटी आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड मिल्स टेलर फॉर सम रीजन बट बाई द टाइम आई गेट अराउंड टू वॉचिंग दिस फिल्म आई हैव टू एडमिट दैट ही डज ए फैंटास्टिक जॉब विथ एवरीथिंग ही इज गिवन एंड इज आर्म्स एंड जस्ट मैक एवरीथिंग फील लाइक होम सम हाउ एंड जोआन हिल इज जोआन हिल परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म पलो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द US मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टीमिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस फ्रीज फ्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ फिश आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग लास्ट कीप थिंग इंटरेस्टिंग जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड आर्गुमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इज सो लाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्सोल्युटली हिलेरियस एंड आर्म्स इज अब्सोल्युटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल करेक्टर इन द फिल्म सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर 1 star इज फॉर द परफॉर्मेंस of Miles Taylor and Jonah Hill, the 3rd star for the fun soundtrack and the 4th star because I did launch cute a few times. To be honest, my rating kept changing a lot and it took me a fair few views and the film to finally style on my 4-star rating. War Dogs feel like and feel this and good thing odium American dead good honest to a lot and smiler American I have in the great ग्रेट नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकॉमन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ओप दिस फोर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ओप इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगोम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर
हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट फाइन एज दैट इज कवर्डली एंड गुड रॉबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर इजली एंड 45 मिनट्स ऑफ द एंसर दी सीन शॉर्टनेस सिंस द इंटेंसिटी केप्ट बिल्डिंग एज द फिल्म वेंट ऑन विच वेरी नाइस दिस इज कैन नॉट बी रियल स्टोरी बिकॉज आई कैन नॉट सी हाउ द गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर्क नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिकिंग नॉट फॉर एवरी वन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्यूअल अवेसम वेल पुट टूगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्ट्रेस हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and realistic stunt kept me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Addison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great uj path off this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunet people Jordan is more development that stage night and really love this movie Suspense full and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent action a worth authentic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their strong and good thing about among middle and good thing about also because rags of reach the bag to rags I really like the movie pretty funny and very entertaining make me wonder story and great movie what of educational writing and good thing about very and good basically I have every scene and good performance this movie साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोनाह हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7
7.1 है और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू आई वुड हैव बिलीव इट हैड आई सीन इट ए रियली वेल फिल्म डन दैट डज नॉट नीड टू बी फिलिस ऑफ इंटेंसिटी टू मैक इट इज वोई हार्ड आई फील दैट द पेसिंग इज सुपर फ्यू टू ऑन एंड सीन्स एंड एवरीथिंग लैंड विथ इडिशनलिटी आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड मिल्स टेलर फॉर सम रीजन बट बाई द टाइम आई गेट अराउंड टू वॉचिंग दिस फिल्म आई हैव टू एडमिट दैट ही डज ए फैंटास्टिक जॉब विथ एवरीथिंग ही इज गिवन एंड इज आर्म्स एंड जस्ट मैक एवरीथिंग फील लाइक होम सम हाउ एंड जोआन हिल इज जोआन हिल परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टील हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द यूएस मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टी मिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस फ्रीज फ्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ फिस आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग last keep thing interesting Jonah Hill is since stellar and argument the best part of the whole film he is so like available but you cannot like him because he is absolutely hilarious and Arms is absolutely genius and play the most like available character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very generous with my rating here 1 star is for the performance of Miles Taylor and Jonah Hill the 3rd star for the fun soundtrack and the 4th star because I did launch cute a few times to be honest my rating kept changing a lot and it took me a fair few views and the film to finally style on my 4-star rating war dogs feel like and feel this and good thing audience American did good honest to a lot and smiler American I have in the great ग्रेट नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिक आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन एंड कॉमन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द Old heart business don't make him cackly cack up this for I mean him I see the tribunet villain the pegum and a double mean and with this there should have been an epic Batman movie hope it already the world needs to see that one and only pegum for me my look all friendly booms and portable and I manage harmless but in the end he can easily be turned sideways and don't less on the other hand well Miles Taylor in this movie is just fine as that is cowardly and good Robin and good thing about I have every scene and good performance this very understand interesting and well done I could have been easily and for 55 minutes of the unnecessary scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the
गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिकिंग नॉट फॉर एवरीवन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्युइन अवेसम वेल पुट टुगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्ट्रेस हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and relating stand keep me watching kept really and relating and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great huge path off this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie such suspenseful and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent action a worth authentic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their strong and good thing about among middle and good thing about also because Rex of reach the bag to rags I really like the movie pretty funny and very entertaining make me wonder store and great movie what of educational writing and good thing about very and good basical I have every scene and good performance this movie साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू आई वुड
वुड हैव बिलीव इट हैड आई सीन इट ए रियली वेल फिल्म डन दैट डज नॉट नीड टू बी फिलिस ऑफ इंटेंसिटी टू मैक इट इज वोई हार्ड आई फील दैट द पेसिंग इज सुपर फ्यू टू ऑन एंड सीन्स एंड एवरीथिंग लैंड विथ इडिशनलिटी आई ऑलवेज वॉन्ट टू अवॉइड मिल्स टेलर फॉर सम रीजन बट बाई द टाइम आई गेट अराउंड टू वॉचिंग दिस फिल्म आई हैव टू एडमिट दैट ही डज ए फैंटास्टिक जॉब विथ एवरीथिंग ही इज गिवन एंड इज आर्म्स एंड जस्ट मैक एवरीथिंग फील लाइक होम सम हाउ एंड जोआन हिल इज जोआन हिल परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टील हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन and arms company that supply the US military eventually cunning and their way into a multi-million dollar Afghanistan contract despite an abundance for advance freeze frame and equal abundance operating voice cover and provide information that could have been provided more naturally throughout dialogue it is an entertaining enough piece out of water that has enough lunch and integrating last keep thing interesting Jonah Hill is since stellar and argument the best part of the whole film he is so like available but you cannot like him because he is absolutely hilarious and Arms is absolutely genius and play the most like available character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very genius with my rating here one star is for the performance of my Miles Taylor and Jonah Hill the third star for the fun soundtrack and the fourth star because I did launch cute a few times to be honest my rating kept changing a lot and it took me a fair few views and the film to finally style on my four star rating war dogs feel like and feel this and good thing audience American did good honest to a lot and smiler American I have in the great National Battle of Humanity, Worst Irritation, Like and Great Runs, Disaster and Potholes, Philip and Good Thing About, Very Fantastic, I Have Every Seen It, Great Runs and Disaster and Potholes, Split With and Tones and Good Unbelievable, Port and Gold, However Mistake to Be Oven and Common Enemy, Sphere of Good Great Alliance, But Give Only Sentiment to Jonah Hill, Who Is the Biggest Four Beaver in the Cold heart business don't make him cackly cack up this for I mean him I see the tribunet villain the pegum and a double mean and with this there should have been an epic Batman movie op it already the world needs to see that one and only pegum for me my look all friendly booms and portable and I manage harmless but in the end he can easily be turned sideways and don't less on the other hand and well Miles Taylor in this movie is just fine as that is cowardly and good Robin and good thing about I have every scene and good performance this very understand interesting and well done I could have been easily and 45 minutes of the unnecessary scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the guys and in steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand fork knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flick not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there
did not have to do and good and relative stand keep me watching kept really and relative and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion Hill and Taylor bounce off each other great storyline great whose path off this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie suspenseful and Hillary so hard to believe it is based on a true story this movie remember me American animals also a true story hill of a good outstanding acting and a hill of good story and please watch this movie if you have not watched an interesting movie Jonah Hill dominate the movie with the his fabulous skill the concept is new and compromised of other traditional movie mixer of the love drama comedy a silent action a worth authentic movie is basically making fun of Iraq war and promoting their struggle and good thing about among middle and good thing about also because rags of reach the bag to rags I really like the movie pretty funny and very entertaining make me wonder store and great movie what of educational writing and good thing about very and good basically I have every scene and good performance this movie साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोनाह हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film done that does not need to be filled up intensity to make it is very hard I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with a decently I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Jonah Hill
परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एंजॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द वॉल्प ऑफ वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द यूएस मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टी मिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस फ्रीज फ्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ पीस आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग last keep thing interesting Jonah Hill is since stellar and argument the best part of the whole film he is so likeable but you cannot like him because he is absolutely hilarious and Arms is absolutely genius and play the most likeable character in the film she is very much the heart of the film to be honest I am being very generous with my rating here 1 star is for the performance of Miles Taylor and Jonah Hill the 3rd star for the fun soundtrack and the 4th star because I did launch cute a few times to be honest my rating kept changing a lot and it took me a fair few views and the film to finally style on my 4-star rating war dogs feel like and feel this and good think odium American dead good honest to a lot and smiler American I have in the great ग्रेट नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटास्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन एंड कॉमन एनिमी सीवर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सैंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द Cold heart business don't make him cackly cack up this for I mean him I see the tribunate villain the pegum and a double mean and with this there should have been an epic Batman movie hope it already the world needs to see that one and only pegum for me my look all friendly bones and portable and I manage harmless but in the end he can easily be turned sideways and dauntless on the other hand well Miles Taylor in this movie is just fine as that is cowardly and good Robin and good thing about I have every scene and good performance this very understand interesting and well done I could have been easily and for 55 minutes of the answer the scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how How the guys and steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand for knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flicking not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there did not have to do and good and realistic stint keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth beyond fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understated in my opinion
हिल एंड टेलर बाउंस ऑफ ईच अदर ग्रेट स्टोरी लाइन ग्रेट उज फैथ ऑफ दिस गुड अगेन एंड वेरी फनी एंड वुल्ड वॉच अगेन ग्रेट कास्ट सम रियली एंड गुड फोर स्टार बिकॉज द स्क्रिप्ट एंड गुड फ्लोलेस एंड लिटिल रिसर्च हैज डन ऑन जॉर्डन द कंट्री इट मास्टर पीस इज कल्चर एंड शो जॉर्डन एंड नोमेडिक ट्रिब्यूनेट पीपुल जॉर्डन इज मोर डेवलपमेंट दैट स्ट्रीज नाइट एंड रियली लव दिस मूवी सस्पेंसफुल एंड हिलोरी सो हार्ड टू बिलीव इट इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी दिस मूवी रिमेंबर मी अमेरिकन एनिमल्स ऑल्सो ए ट्रू स्टोरी हिल ऑफ ए गुड आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड हिल ऑफ गुड स्टोरी एंड प्लीज वॉच दिस मूवी इफ यू हैव नॉट वॉच एंड इंटरेस्टिंग मूवी जोना हिल डोमिनेट द मूवी विच द हिज फेबुलस स्केल द कंसेप्ट इज न्यू एंड कंप्रोमाइज ऑफ अदर ट्रेडिशनल मूवी मिक्सर ऑफ द लव ड्रामा कॉमेडी ए साइलेंट एक्शन ए वर्थ पैथेंटिक मूवी इज बेसिकल मेकिंग फन ऑफ इराक वार एंड प्रोमोटिंग देयर स्ट्रोंग एंड गुड थिंक अबाउट अमोंग मिडिल एंड गुड थिंक अबाउट ऑल्सो बिकॉज रैग्स ऑफ रीच द बैग टू रैग्स आई रियली लाइक द मूवी प्रीति फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग मेक मी अंडर स्टोर एंड ग्रेट मूवी वाट ऑफ एजुकेशनल राइटिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड गुड बेसिकल आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलर की कैटेगरी की फिल्म जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film done that does not need to be filled of intensity to make it is very hard I feel that the pacing is super few to on and scenes and everything land with additionally I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Joan Hill परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टील हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्म द फिल्म पलो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन
एंड आर्म्स कंपनी दैट सप्लाई द यूएस मिलिट्री इवेंचुअली कनिंग एंड देयर वे इनटू ए मल्टी मिलियन डॉलर अफगानिस्तान कॉन्ट्रैक्ट डेस्पाइट एंड एम्बुडेंस फॉर एनवांस प्रीज प्रेम एंड इक्वल एम्बुडेंस ऑपरेटिंग वॉइस कवर एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट कुड हैव बीन प्रोवाइड मोर नेचुरली थ्रू आउट डायलॉग इट इज एन एंटरटेनिंग एनफ फिश आउट ऑफ वाटर दैट हैज एनफ लंच एंड इंटरग्रेटिंग लास्ट कीप थिंग इंटरेस्टिंग जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड आर्गुमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इज सो अलाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्स्यूटली हिलोरिस एंड आर्म्स इज अब्स्यूटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल करेक्टर इन द फिल्म सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर वन स्टार इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी ऑनेस्ट माई रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लॉट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टाइल ऑन माई फोर स्टार रेटिंग वार डॉग्स फिल लाइक एंड फिल दिस एंड गुड थिंक ऑडियम अमेरिकन डेड गुड ऑनेस्ट टू ए लॉट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रंस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रंस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन एंड काउन एनिमी सीर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सेंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ऑफ दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ऑफ इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बूम्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवरडेली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव बीन ईजली एंड 45 minutes of the unnecessary scene shortness since the intensity kept building as the film went on which very nice this is cannot be real story because I cannot see how the guys and steel business gives the dude and good actually loser watching is third and good reason even understand fork knowledge will help message of the movie totally sound has been modern suicide flick not for everyone but if it is for you will love it funny real gripping life lesson genuine awesome well put together well act great story with a movie that does it justice this is a great story and fact that this based on a true story made it super all the actors have done a great job throughout the movie my only issue is why does Netflix characterization of this masterpiece under comedy I really enjoy this movie there did not have to do and good and realistic stand keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part too all around great movie fantastic film and good understood in my opinion and Taylor bounce off each other great storyline great huge faith of this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4-star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie
सस्पेंसफुल एंड हिलोरी सो हार्ड टू बिलीव इट इज़ बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी दिस मूवी रिमेंबर मी अमेरिकन एनिमल्स आल्सो ए ट्रू स्टोरी हिल ऑफ ए गुड आउटस्टैंडिंग एक्टिंग एंड ए हिल ऑफ गुड स्टोरी एंड प्लीज वॉच दिस मूवी इफ यू हैव नॉट वॉच एंड इंटरेस्टिंग मूवी जोना हिल डोमिनेट द मूवी विच द हिज फेबुलस स्किल द कंसेप्ट इज न्यू एंड कंप्रोमाइज ऑफ अदर ट्रेडिशनल मूवी मिक्सर ऑफ द लव ड्रामा कॉमेडी ए साइलेंट एक्शन ए वर्थ पैथेंटिक मूवी इज बेसिकल मेकिंग फन ऑफ इराक वार एंड प्रोमोटिंग देयर स्ट्रोंग एंड गुड थिंक अबाउट अमोंग मिडिल एंड गुड थिंक अबाउट आल्सो बिकॉज रैग्स ऑफ रीच द बैग टू रैग्स आई रियली लाइक द मूवी प्रीति फनी एंड वेरी एंटरटेनिंग मेक मी अंडर स्टोर एंड ग्रेट मूवी वाट ऑफ एजुकेशनल राइटिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड गुड बेसिकल आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2016 में रिलीज हुई वार डॉग्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी जोना हिल के करियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था वार डॉग्स मूवी था, जो साल 2016 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी एक्शन और थ्रिलियर की कैटेगरी की फिल्म, जो कि वार डॉग्स मूवी जो कि साल 2016 में रिलीज हुई थी। तो तैयार हो जाए इसके ऑडियंस रिव्यू मिलने के बाद। जो इसके रनिंग टाइम की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 1 घंटे 54 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और आपको 1 घंटे 54 मिनट तक आपको यह मूवी फुल एंटरटेनमेंट कराने वाली है। और यह मूवी काफ़ी ज़्यादा लोगों को अच्छी लगी थी और आशा करते हैं कि आपको भी यह मूवी अच्छी लगेगी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो अमेजन प्राइम वीडियो पर जाकर लुत्फ़ उठा सकते हैं, क्योंकि यह मूवी आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस मूवी को YouTube पर सर्च कर रहे हैं तो आपको यह मूवी YouTube पर देखने को नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो इस मूवी की रेटिंग जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसकी रेटिंग देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि साल 2016 में कितनी अच्छी फिल्म साबित हुई थी। तो गूगल यूजर्स ने भी ज़्यादा लाइक किया, तो गूगल यूजर्स ने 81% लोगों ने लाइक किया। वह इसकी IMDb की बात करें तो इसकी IMDb 10 में से 7.1 है। और इस वार डॉग्स मूवी की रिलीज डेट 29 अगस्त 2016 को इंडिया के अंदर बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर टोड फिलिप्स थे। और इस मूवी के बॉक्स ऑफिस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब बात करते हैं वार डॉग्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। सरप्राइज द रियल स्टोरी इज इवन मोर विल्ड दैन द स्ट्रीम लेन वर्जन वी गोट विथ वार डॉग्स एंड गुड थिंग टू I would have believed it had I seen it a really well film done that does not need to be fillers of intensity to make it is very hard I feel that the pacing is super few to own and scenes and everything land with it decently I always want to avoid Miles Teller for some reason but by the time I get around to watching this film I have to admit that he does a fantastic job with everything he is given and his arms and just make everything feel like home somehow and Jonah Hill परफेक्ट परफॉर्मेंस ऑल अराउंड टुक मी वाइल टू फाइनली वॉच दिस मूवी बट आई रियली एन्जॉय इट द हैंगओवर्स मीट्स द होल पॉप वॉल स्ट्रीट आई कैन स्टिल हियर जोना हिल इज डाउन राइट सडनली फनी लंच एंड को इन माई हेड बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी वार डॉग्स इज ए फैसिनेशन क्राइम ड्रामा अबाउट वार परफॉर्मिंग द फिल्म प्लो टू फॉर्मर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हु पार्टनर अप टू रन and arms company that supply the US military eventually cunning and their way into a multi-million dollar Afghanistan contract despite an abundance for anyone's freeze frame and equal abundance operating voice cover and provide information that could have been provided more naturally throughout dialogue it is an entertaining enough piece out of water that has enough lunch and integrating last key
कीप थिंग इंटरेस्टिंग जोना हिल इज सीन्स स्टेलर एंड एरगूमेंट द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल फिल्म इज सो अलाइक अवेलेबल बट यू कैन नॉट लाइक हिम बिकॉज ही इज अब्सोल्युटली हिलेरियस एंड आर्म्स इज अब्सोल्युटली जीनियस एंड प्ले द मोस्ट लाइक अवेलेबल करेक्टर इन द फिल्म सी इज वेरी मच द हार्ट ऑफ द फिल्म टू बी होनेस्ट आई एम बींग वेरी जीनियस विथ माई रेटिंग एयर वन स्टार इज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ माइल्स टेलर एंड जोना हिल द थर्ड स्टार फॉर द फन साउंड ट्रैक एंड द फोर्थ स्टार बिकॉज आई डिड लॉन्च क्यूट ए फ्यू टाइम्स टू बी होनेस्ट माई रेटिंग किप्ट चेंजिंग ए लोट एंड इट टुक मी ए फेयर फ्यू व्यूज एंड द फिल्म टू फाइनली स्टार ऑन माई फोर स्टार रेटिंग वार डॉग्स फिल लाइक एंड फिल दिस एंड गुड थिंक ओडियम अमेरिकन डेड गुड ऑन नेस्ट टू ए लोट एंड स्माइलर अमेरिकन आई हैव इन द ग्रेट ग्रेड नेशनल बैटल ऑफ ह्यूमैनिटी वर्स्ट एरिटेशन लाइक एंड ग्रेट रनस डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्म एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टिंग आई हैव एवरी सीन इट ग्रेट रनस एंड डिजास्टर एंड पोर्ट होल्स फिल्ड विथ एंड टोन्स एंड गुड अनबिलेबल पोर्ट एंड गुड हाउ एवर मिस्टेक टू बी ओवन अनकाउन एनिमी सीर ऑफ गुड ग्रेट अलायंस बट गिव ओनली सेंटिफिसेंट टू जोना हिल हु इज द बिगेस्ट फॉर बिहेवियर इन द कोल्ड हार्ट बिजनेस डोंट मैक हिम कैकली कैक ऑफ दिस फॉर आई मीन हिम आई सी द ट्रिब्यूनेट विलन द पेगोम एंड ए डबल मीन एंड विथ दिस देर शुड हैव बीन एंड इपिक बैटमैन मूवी ऑफ इट ऑलरेडी द वर्ल्ड नीड्स टू सी दैट ओन एंड ओनली पेगम फॉर मी माई लुक ऑल फ्रेंडली बोन्स एंड पोर्टेबल एंड है मैनेज हार्मलेस बट इन द एंड ही कैन ईजली बी ट्रन सेरवेज एंड डोंट लेस ऑन द अदर हैंड वेल मिल्स टेलर इन दिस मूवी इज जस्ट पाइन एज दैट इज कवरडेली एंड गुड रोबिन एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस दिस वेरी अंडरस्टैंड इंटरेस्टिंग एंड वेल डन आई कुड हैव वीर ईजली एंड 45 minutes ऑफ द एंसर सीन शॉर्टनेस सिंस द इंटेंसिटी किप्ट बिल्डिंग एज द फिल्म वेंट ऑन विच वेरी नाइस दिस इज कैन नॉट बी रियल स्टोरी बिकॉज आई कैन नॉट सी हाउ द गाइज एंड स्टील बिजनेस गिव्स द ड्यूड एंड गुड एक्चुअली लूजर वॉचिंग इज थर्ड एंड गुड रीजन इवन अंडरस्टैंड फोर्क नॉलेज विल हेल्प मैसेज ऑफ द मूवी टोटली साउंड हैज बिन मॉडर्न सुसाइड फ्लिक नॉट फॉर एवरीवन बट इफ इट इज फॉर यू विल लव इट फनी रियल ग्रिपिंग लाइफ लेसन जीन्युइन अवेसम वेल पुट टुगेदर वेल एक्ट ग्रेट स्टोरी विथ ए मूवी दैट डज इट जस्टिस दिस इज बै ग्रेट स्टोरी एंड फैक्ट दैट दिस बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी मैड इट सुपर ऑल द एक्ट्रेस हैव डन ए ग्रेट जॉब थ्रू आउट द मूवी माई ओनली इश्यू इज वाई डज नेटफ्लिक्स कैटरनाइजेशन ऑफ दिस मास्टर पीस अंडर कॉमेडी आई रियली एंजॉय दिस मूवी देर did not have to do and good and realistic stint keep me watching kept really and realistic and still kept me hooked on at truth behind fast money and where it leads and wanting more great movie it was entertaining worth my money Jonah Hill and Miles Turner play a good their parts well but Cooper Edison was the great part to all around great movie fantastic film and good understood in my opinion he and Taylor bounce off each other great storyline great huge faith of this good again and very funny and would watch again great cast some really and good 4 star because the script and good flawless and little research has done on Jordan the country it masterpiece is culture and show Jordan's and nomadic tribunate people Jordan is more development that stage night and really love this movie suspense Suspenseful and hilarious, so hard to believe. It is based on a true story. This movie remember me American Animals, also a true story. Hill of a good, outstanding acting and a hill of good story. And please watch this movie if you have not watched an interesting movie. Jonah Hill dominate the movie with his fabulous skill. The concept is new and compromised of other traditional movie mixture of the love drama comedy a silent.
वायलेंट एक्शन ए वर्थ पैथेंटिक मूवी इज बेसिकल मेकिंग फन ऑफ इराक वार एंड प्रोमोटिंग देयर स्ट्रोंग एंड गुड थिंक अबाउट अमोंग मिडिल एंड गुड थिंक अबाउट आल्सो बिकॉज रैग्स ऑफ रीच द बैग टू रैग्स आई रियली लाइक द मूवी प्रीति पन्नी एंड वेरी एंटरटेनिंग मेक मी अंडर स्टोर एंड ग्रेट मूवी वाट ऑफ एजुकेशनल राइटिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी एंड गुड बेसिकल आई हैव एवरी सीन एंड गुड परफॉर्मेंस।